हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टैंडर्ड फोर्थ का ENV का लेसन नंबर 2, चैप्टर 2, ईयर टू ईयर। मतलब हमें सिर्फ सबके ईयर के बारे में पढ़ना है आज, एनिमल्स के हो चाहे वर्ड्स के, जिसके भी सब लेसन में आपको आएगा। ठीक है, ईयर मतलब कान, कानों के बारे में। कान जानते हो ना कि सबके कान जो है अलग अलग होते हैं। देखो आगे आपको पिक्चर दिया है, पिक्चर में देखिए क्या किया है। ये देखो एलिफेंट, एलिफेंट के कान कहाँ है, ईयर जो है इधर है जिराफ के पास। और जिराफ के आपको ढूंढने कहाँ पे हैं, सबके एनिमल्स के क्या किया है उन्होंने, ईयर्स को चेंज कर दिया है। हु हैज़ गॉट माई ईयर, तो क्या बोल रहे हैं कि देखो मेरे ईयर्स कहाँ है। पिक्चर में आपने देखने, देखो रैबिट के कहाँ पे है, ये है ऐसा। सबके जो है अलग अलग कर दिया है उन्होंने। तो आगे देखिए, आर द एनिमल लुकिंग फनी, तो देखो कैसे मतलब कैसे मजाक जैसा दिख रहा है ना, सब एनिमल्स के अलग अलग वो लगा दिए हैं। तो द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स, यही बता रहा है कि आर्टिस्ट ने क्या किया है, गलत गलत ईयर्स मतलब एक दूसरे के ईयर्स लगा दिए हैं। डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर, आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन से ईयर कौन से एनिमल के हैं। आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो, अब नीचे स्पेस दिया है उसमें आपने लिखना है कौन से एनिमल्स के कौन से ईयर है। देखो तो एनिमल्स और ईयर, एलिफेंट, एलिफेंट के जो ईयर है वो किसने पहन लिए हैं, जिराफ ने, और रैबिट के जो है वो डॉग ने पहने। ये रैबिट है, रैबिट के ईयर किसके पास है, डॉग के पास। माउस है चूहा, उसके किसने किसके लगाए हैं, एलिफेंट के। ठीक है, वैसे जिराफ है, जिराफ ने किसके, रैबिट के, मतलब सबके क्या बोलते हैं ईयर्स जो है अलग अलग होते हैं। आगे देखिए एनिमल्स ईयर, डॉग का ईयर कैसा है, कैसा होता है, माउस के जैसा। बफेलो का कैसा होता है, डियर के जैसा, और डियर का बफेलो के जैसा, मतलब ये दोनों सेम हुआ। तो आपने इसमें क्या देखना है कि किसके ईयर्स जो हैं कैसे होते हैं, रैबिट के डॉग के जैसा, माउस के एलिफेंट के जैसा, जिराफ के रैबिट के जैसा, और डॉग के माउस के जैसा, बफेलो के डियर, और डियर के बफेलो जैसा। ठीक है, देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर, अलग अलग जानवरों के अलग अलग ईयर्स होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, देखो नीचे आपको एनिमल्स दिए हैं, आपने सबका अलग अलग करना है। विच वन हैज़ ईयर दैट यू कैन सी, आपने देखो इसमें से एक ईयर दिए हैं। इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर, अब इसमें वो है जिसके आपने ईयर्स देखे हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके आपने ईयर नहीं देखे हैं। तो आपको ये टेबल दिया है नीचे, आपको बताना है। देखो डियर, फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, स्पैरो, बफेलो, स्नेक, लीजर्ड, डक, एलिफेंट एंड मंकी। अब उसने क्या बोला, एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, वो एनिमल्स के नाम लिखने हमने जिसके हमने ईयर्स देखे हैं, और एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैनॉट सी, अब फिर उसके लिखने हैं जो हमने नहीं देखे। ये टेबल दिया है, इसी में से हमको ढूंढ के इधर नीचे में लिखना है। तो देखिए ये है डियर, डियर के देखे हैं सबने, देखे हैं जिराफ के भी, टाइगर, एलिफेंट, इन सब के ईयर सामने दिखते हैं हमें। पिग का, कैट का, बफेलो का, मंकी का, इन सब का हमें ईयर दिखते हैं ना। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बोलेंगे तो ज़्यादातर वर्ड्स के जो है ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं, और कुछ एनिमल्स भी ऐसा होते हैं। फ्रॉग, एंट, फ्रॉग के किसी ने देखे क्या, नहीं दिखते हैं ना, एंट के भी नहीं दिखते, स्पारो को भी नहीं देखते हैं, लिजर्ड का भी नहीं दिखते हैं, फिश के भी नहीं, क्रो के भी नहीं, स्नैक के भी नहीं, डक के भी नहीं। ये सब एनिमल्स के हमें कान जो है ईयर्स नहीं दिखते हैं, और ये साइड का एनिमल्स के सबके हमें ईयर्स दिखते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखे हैं। अब देख नीचे पिक्चर, तो देखो ये वर्ड्स दिया ही है, अब इसमें से देख सकते हैं आप कि कौन से पिक्चर में आपको ये वर्ड्स के कान दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं ना। आगे देखिए, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो, एंड एनिमल्स विद ईयर्स लाइक फैन, कौन से जानवर के ईयर्स जो हैं फैन, मतलब फैन के पंख रहते फैन के जैसा दिखते हैं, तो वो है एलिफेंट। कौन सा स्पेलिंग है, ELEPHANT, एलिफेंट का। ठीक है, सेकेंड, एंड एनिमल्स विच ईयर्स लाइक लीव्स, अब किसके जो हैं कैसा दिखते हैं ईयर लीव्स के जैसा, मतलब पत्ते के जैसा, तो वो रैबिट के, रैबिट के ईयर। एंड एनिमल्स विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ हेड, अब आपको वो बताना है कौन से एनिमल के एकदम सर के ऊपर में, हेड के एकदम ऊपर में सिंग वो ईयर्स रहते हैं, तो डियर और जिराफ का।
वैसे ही एन एनिमल्स विद ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इट। अब दोनों साइड, कान के दोनों साइड में मीडियम में मतलब साइज में दिखते हैं। काऊ के भी, उल बुल गॉड काऊ बुफेलो उसका भी होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके दोनों कान दोनों साइड पे बराबर में रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हेयर। आप तो सभी जानते हैं कि कान हमारी क्या मदद करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जिनके आपको कान दिखते हैं, और कुछ ऐसे हैं सम यू कैनॉट, कुछ ऐसे हैं जिनके हमें कान नहीं दिखते हैं। वी कैनॉट सी ए बर्ड ईयर्स, क्योंकि हमें पंछियों के जो कान हैं वो नहीं दिखते हैं। बर्ड्स हैव टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। उनका एकदम हेड के साइड में एकदम छोटा सा होल रहता है जिससे वो अपनी बाइस सुनते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर, और उनके जो वो कान रहते हैं ना वो किससे, फीदर मतलब पंख से ढके होते हैं, इसलिए वो हम लोगों को नहीं दिखते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स टू हेयर, वही उनकी मदद करते हैं उनको सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुली, आप ध्यान से देखिए, यू विल सी टीनी होल्स ऑन लीजर्ड हेड। बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो देखना लीजर्ड के साइड में एक छोटे छोटे से होल दिए होंगे। दीज आर इट्स ईयर, वही उनके कान होते हैं। वही क्रोकोडाइल आल्सो हैज ईयर्स, क्रोकोडाइल के भी ईयर होते हैं। ले लाइक बट वी कैन नॉट सी दैम इजली, परंतु हम उसको ईजली से नहीं देख सकते। आप जानते हैं क्रोकोडाइल के पास में तो हम जा नहीं सकते ना देखने के लिए। हुज स्किन, अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी स्किन होती है, चमड़ी दिखती है सामने। नो यू नो हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर। अभी आपने देखो ईयर्स के बारे में पढ़ा, कौन से एनिमल के ईयर दिखते हैं कौन से नहीं। लेट अस रिकोगनाइज, अब हम पढ़ेंगे लेट अस रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब किस किस की स्किन हमें दिखती है और नहीं दिखती है। ठीक है, इज द एनिमल शोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल्स। अब देखो ये एनिमल्स दिया है, उनकी आपको स्किन के ऊपर पिक्चर देखो इधर दी है, उसमें से देख के आपको सेम वही पिक्चर ऐसे कंप्लीट करनी है। तो डियर की इसमें से कौन सी है वो डियर में कंप्लीट करना है, ये हॉर्स की है, और फिर डॉग की, ऐसे मतलब आपको ऊपर में देखो 3, 2, 5 पिक्चर दी है, उसको देख के आपको नीचे कंप्लीट करना है, मतलब कलर कर सकते हैं आप। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। तो देखो सबका अलग अलग पैटर्न है, उनके बाल की शेप भी अलग है स्किन पे, और उनका कलर भी अलग अलग है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल्स विदाउट हेयर, क्या आपने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे हैं जिनके हेयर नहीं होते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लाइक इफ डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट स्किन। आप इमेजिन करो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिस पे स्किन में हेयर नहीं होते हैं, तो देयर वुड बी नो पैटर्न आर कलर, उसको हम ना ही कोई पैटर्न दे सकते हैं ना ही कोई कलर दे सकते। नेक्स्ट देखिए, आपको नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। आपको एनिमल्स के नाम दिए गए हैं टेबल में, पुट टिक करना है आपको कॉलम में अकॉर्डिंग टू देयर लुक। ठीक है, तो आपको देखो ये एनिमल्स ईयर कैन वी सीन, जिसके कान हम देख सकते हैं, जिसका हम नहीं देख सकते हैं ईयर कैन नॉट वी सीन। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिसकी स्किन पे बाल दिखते हैं। हैज़ फीदर ऑन स्किन, जिसके पंख दिखते हैं। तो ज़्यादातर एनिमल्स को हमें स्किन और हेयर दिखेंगे, लेकिन बर्ड्स के ना हेयर दिखेंगे, उनके फीदर दिखेंगे, स्किन नहीं दिखेगी। ठीक है, हेयर नहीं दिखेंगे स्किन पे, फीदर दिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है गोट, गोट का हमें कान दिखता है, ऐसे ही हेयर दिखते हैं उनकी स्किन में, और फीदर और ये नहीं आएगा, क्यों दोनों हमें नहीं दिखते हैं। वैसे ही एलिफेंट का देखिए, हमें क्या दिखते हैं, उसके कान भी दिखते हैं और साथ में बाल दिखते हैं, दो चीज़ नहीं दिखता है। स्पैरो का हमें क्या दिखता है, ईयर्स दिखते हैं और फीदर दिखते हैं। पिगन का हमें ईयर्स दिखते हैं और फीदर दिखते हैं। माउस का हमें ईयर्स भी दिखते हैं और साथ में हेयर। कैट का भी ईयर्स और हेयर, टिक लगाना है आपको इसमें। बफेलो का हमें कान दिखते हैं और साथ में हेयर दिखते हैं स्किन पे बाल। डक का हमें कान नहीं दिखते हैं और साथ में फंग दिखते हैं। तो जो दिखते हैं नहीं दिखते पे टिक लगाना है। ठीक है, फ्रॉग में ईयर्स और सिर्फ ईयर ही दिखते हैं, ना फीदर होते हैं फ्रॉग के, नहीं और स्किन होती है, हेयर नहीं होते स्किन पे। क्रो का ईयर्स दिखते हैं साथ में फीदर। पिकॉक का भी ईयर्स फीदर, मतलब ईयर्स हम नहीं देख सकते। पिक का हम ईयर देख सकते हैं, हेयर भी देख सकते हैं। हैंड का भी हम ईयर्स को नहीं देख सकते और इसको फीदर का देख सकते हैं। कैमल को हम जो है क्या देखते हैं, ईयर्स और साथ में हेयर दिखते हैं। लीजर्ड का हमें
कान नहीं दिखता है और ना ही उसके फीदर दिखते हैं। काओ का हमें कान भी दिखते हैं और साथ में हेयर भी दिखते हैं स्किन पे, ठीक है। आगे देखिए, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मैंशन इन द टेबल ले एग। अब उस एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो एनिमल्स बेबी देते हैं और कुछ एनिमल्स लेग देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। आपको फाइंड करना है और साथ में ग्रीन बॉक्स में लिखना है जो एग देते हैं ग्रीन बॉक्स में और जो बेबीज देते हैं वो रेड बॉक्स में। तो देखो, गॉट बेबी देता है, बफेलो भी बेबी, एलिफेंट भी बेबी, माउस भी बेबी, कैट भी बेबी, काऊ भी बेबी, कैमल भी बेबी, डॉग भी बेबी देता है। और ये रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स में जो एग देते हैं स्पैरो, पीगन, डक, फ्रॉक, क्रो, पिकॉक, हैन लिजर्ड, ये सब एग देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नो लुक अगेन टू एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। आपने पीछे टेबल में देखा, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। आप देखो, जिस एनिमल्स का नाम हमने ग्रीन बॉक्स में लिखा है, पुट सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दूज एनिमल्स हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स। तो उसको आप सर्कल करके रख सकते हैं। सो व्हाट डू यू नॉट दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। आपने वो एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिसके हमें ईयर्स और बॉडी पे हेयर दिखते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। जो एनिमल का हमें बॉडी का हेयर दिखता है और ईयर दिखते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। और दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स, जिनके हमें कान नहीं दिखते हैं और ना ही हमें आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर हेयर दिखते हैं, उसी एनिमल वो एनिमल्स क्या करते हैं, दे एनिमल्स ले एग, वो अंडा देते हैं।